हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी और ये है अभिषेक और इसके हाथ में एक बढ़िया दिखने वाला फोन है। क्या है ये फोन अभिषेक? ये फोन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। दरअसल ये है Asus का Zenfone Max 2016 एडिशन। इस फोन का रिव्यू हम शो में आगे करेंगे, पर आज शिवानी टेक गुरु में एक ऐसी चीज होने वाली है जो शायद आज तक पिछले 8 सालों में कभी भी नहीं हुई। क्रांतिकारी, एकदम क्रांतिकारी। वो क्या कहते हैं, वो चौक गए ना तो वो उस तरीके के जब हम इस चीज का रिव्यू करेंगे तो वो चौक गए ना टाइप का रिव्यू टेक गुरु पर आज होगा। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं Asus Zenfone Max की। हालांकि Zenfone Max ये जो सीरीज है ये कोई नई नहीं है, पिछले साल भी इन्होंने एक Zenfone Max सीरीज का फोन लॉन्च किया था। सिंपल फंडा रहता है, तगड़ी बैटरी लाइफ वाला, पर 5000 मिली एम्पियर आर की तगड़ी बैटरी लाइफ वाला Asus Zenfone Max के आपको खरीदना चाहिए या नहीं, ये फैसला तो बाद में सुनाएंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। मुझे लगा कि तुम अभी सब कुछ बोल दोगे। नहीं नहीं, थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो बता दें। ये है Asus Zenfone Max। Asus की Zenfone सीरीज का ये सूरमा अपनी तगड़ी बैटरी के कारण बाजार में धूम मचाने की कोशिश में है। 9,999 रुपए की कीमत वाले इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 5.5 इंच के इस स्मार्टफोन में 720x1280 पिक्सल के रेजोल्यूशन वाली टच स्क्रीन दी गई है जो 267 पिक्सल पर इंच के साथ आती है। इसकी स्क्रीन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के तौर पर गोरिल्ला ग्लास 4 की परत लगाई गई है, पर इसकी IPS LCD स्क्रीन फुल HD नहीं है। Zenfone Max Android के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 6 Marshmallow पर चलता है, जिसे ताकत देता है इसमें दिया गया Snapdragon 615 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए इसमें 2GB रैम दी गई है। हालांकि इसका 3GB रैम वाला वर्जन भी आता है, पर इसकी कीमत 13,000 रुपए के आसपास है। 32GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे 64GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए Zenfone Max में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, लेजर ऑटो फोकस और डुअल टोन LED फ्लैश के साथ। सेल्फी लेने के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Zenfone Max के दोनों ही कैमरों से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके अंदर 5000 मिली एम्पियर आर की बैटरी Asus Zenfone Max के अंदर दी गई है। एंड फ्रेंकली बोलूं तो इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि 5000 मिली एम्पियर आर की बैटरी, मतलब 5000 मिली एम्पियर आर के शुरुआत में पावर बैंक्स आया करते थे, तो इसके साथ पावर बैंक को साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मेरा फोन जोड़ दूं? वही करना पड़ेगा। लुक्स एंड डिजाइन की सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके धीरे धीरे इस फोन के सारे फीचर्स के ऊपर नजर डालते हैं। लुक्स एंड डिजाइन में सबसे खास बात मुझे इस फोन में लगी वो है इसका ये जो चकमगाता ऑरेंज बैक पैनल है, बिल्कुल लेदर की तरह फिनिश देता है। ग्रिप भी अच्छी मिलती है इससे और बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है। एकदम ऐसे यू नो जो हाई एंड मॉडल्स होती है गाड़ियों की, जिसमें ऐसे लेदर सीट्स होती है, उस तरह का फील आता है। बट ये फील ही लेदर वाला है, दरअसल ये है लेदर नहीं, दरअसल ये प्लास्टिक है। मैं चाहूं तो दिखा भी सकता हूं। धोखा है, बट बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको डिजाइन किया। हालांकि प्लास्टिक भी बहुत दुबली पतली लगा के रखी हुई है, बट दिखने में फील में थोड़ा बहुत लेदर जैसा जरूर लगता है, तो दिखने में अच्छा है। 4 और रंगों में आता है ये, मतलब इसको मिला के टोटल 4 कलर्स में आता है। मुझे ये ऑरेंज, हाँ ऑरेंज काफी नया और कूल फंकी और हटके जरा नजर आता है। अब बात करें अगर इसकी स्क्रीन की, तो हालांकि 10,000 रुपए की इसकी प्राइसिंग है, दो वर्जन में आता है, एक 2GB वाला जिसके अंदर 10,000 रुपए का वो है, और दूसरा 13,000 का, उसमें 3GB रैम दी गई है। क्या रैम की बात तो बाद में करेंगे, पर जो इसकी स्क्रीन है दरअसल फुल HD नहीं है। हालांकि इस प्राइस रेंज में 10,000 to 13,000 की प्राइस रेंज में आजकल कई ऐसे स्मार्टफोन आ रहे हैं जिसमें फुल HD स्क्रीन आती है, टच ID या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स आते हैं, तो ये फीचर्स इस फोन में मिसिंग है। बैटरी को बढ़ाने के चक्कर में शायद ये फीचर्स के साथ Asus ने समझौता किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ कंज्यूमर को समझनी पड़ेगी कि आपको अगर एक अच्छी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन चाहिए, हालांकि PPI भी अगर इसकी देखें तो 200-250 के आसपास की PPI है, 264 समथिंग है इसकी पिक्सल पर इंच का, तो स्क्रीन उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। हालांकि गोरिल्ला ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 की इसके ऊपर परत चढ़ाई गई है, जिससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ज़रूर मिलता है और टच भी काफ़ी अच्छा है।
बट ओवरऑल स्क्रीन का रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है जितना आपको शायद इको वन एस जैसे फोन में मिले या फिर इसी प्राइस रेंज में जो बाकी और स्मार्टफोन आ रहे हैं फुल एचडी स्क्रीन के साथ, तो वो चीज स्क्रीन के मामले में थोड़ा सा मात कहता है। लेकिन स्क्रीन अगर यू नो इसकी हम लोग बैक फुट पे जाएं स्क्रीन को लेकर, फ्रंट फुट पे इसका कैमरा है, कैमरा बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यू नो मैक्रो फोटोग्राफी पसंद करते हैं, यू नो कुछ बटरफ्लाईज फूलों की खाने की फोटोग्राफी आप करना आपको अच्छा लगता है, तो ये एक परफेक्ट फ़ोन है उस टाइप की फोटोग्राफी के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग टिपिकली अपने फ़ोन से जो क्या मैं खा रही हूँ आज, या फिर यू नो कोई अच्छा सा फूल दिख गया या फिर कोई अच्छा सा कीड़ा दिख गया तो उसकी फोटो लेते हैं। परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस बोली जाएगी ना, बहुत ज़्यादा ऐसी है कि भैया धुआंधार एकदम आप इसके ऊपर कुछ भी आप परफॉर्मेंस कितनी भी मल्टीटास्किंग कर दो फोन बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ऐसा नहीं। अच्छी परफॉर्मेंस है, रोजमर्रा के काम आपके आसानी से करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब जिसे कहा जाए ओवरऑल इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो इसकी बैटरी और इसका कैमरा है, इस मामले में कुछ नहीं डिजाइन के मामले में। हालांकि और एक चीज हम बोलना भूल गए कि इसके अंदर लेजर ऑटो फोकस और डुअल एलईडी फ्लैश जैसे फीचर्स दिए गए इसके कैमरे को, जो और ज्यादा इनहेंस करते हैं इससे अगर आप फोटोग्राफी करना पसंद करें। और दोनों आगे की तरफ भी जो सेल्फी कैमरा दिया गया है उससे भी आप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पीछे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है। बट वीडियो से ज्यादा मुझे इसका जो स्टिल्स जो हैं वो ज्यादा पसंद आए। तो वर्डिक्ट दिया जाए पिक या किक ज़ेनफोन मैक्स को, मेरे हिसाब से क्योंकि मैं अपने फोन में सबसे ज्यादा जो परेशानी वाली चीज है वो होती है उसकी बैटरी और कैमरा, ये दो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीजें जो इस फोन के अंदर दी गई हैं, उस लिहाज से इसको पिक दिया जा सकता है। पर हाँ आप ये ध्यान में रखें कि इस फोन के साथ आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा इसकी स्क्रीन के साथ जो कि फुल एचडी नहीं है, तो उस मामले में थोड़ा सा जरूर है। बाकी ओवरऑल देखा जाए फिंगरप्रिंट सेंसर, कई लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, बट मुझे नहीं लगता कि फिंगरप्रिंट सेंसर बिग इशू, क्योंकि कई फोन्स का फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक से काम भी नहीं करता, दैट इज अनदर इशू विद मेनी फोन्स। और वो एक ऐसा फीचर नहीं है कि फोन के अंदर होना ही हो, मिल जाए बहुत अच्छा है, पर ऐसा फीचर नहीं है कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने वाला वो फीचर नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो इस लिहाज से फिंगरप्रिंट सेंसर और वो चीजें नहीं होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल Asus ZenFone Max को Tech Guru पर मैं देता हूं पिक और देता हूं 10 में से 7.5 नंबर। तुम कितने नंबर दोगी? 8 बिकॉज़ आई लव द बैटरी लाइफ। ओके, ऑन दिस नोट Tech Guru पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आइए, कुछ कूल गैजेट्स का रिव्यू हम Tech Guru पर करेंगे और साथ में एक ऐसी चीज आपको दिखाएंगे जो आज तक Tech Guru पर कभी भी रिव्यू नहीं हुई है। कम राइट बैक। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभिषेक, अभी नेक्स्ट हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट दरअसल हम तीन ऐसे गैजेट्स के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग किस्म के हैं और साथ में तीनों ही गैजेट ऐसे हैं जिनको आप बड़ी आसानी से अपने घर के अंदर एंट्री दे सकते हैं। तो कौन कौन से वो गैजेट्स हैं देखिए गैजेट लैब में। पेश है आपके एंटरटेनमेंट का सच्चा साथी लॉजिटेक यूई रोल। ये छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है बड़ा कमाल का, ये दिखने में जितना खूबसूरत है आवाज के मामले में भी यूई रोल उतना ही दमदार है। अपने यूनिक डिजाइन की वजह से यूई रोल पूरे 360 डिग्री में साउंड आउटपुट देता है। इसका वाटरप्रूफ डिजाइन IPX7 सर्टिफाइड है, यानी पूल पार्टीज में भी इसको आसानी से एंट्री मिल सकती है। 9 घंटे की बैटरी लाइफ और ब्लूटूथ पर 20 मीटर तक की रेंज इसे एक ऑसम पार्टी गैजेट बनाती है। यूई रोल के दाम है 8495 रुपए। अगर आप अपने किसी चहेते की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में परेशान रहते हैं तो MapMy India का SafeMate एक ऐसा गैजेट है जो आपके पास होना ही चाहिए। ये छोटा सा डिवाइस दरअसल एक GPS ट्रैकर है जो आपकी पल पल की लोकेशन का हिसाब किताब रख सकता है और ऐप के जरिए रियल टाइम लोकेशन अपडेट्स देता रहता है। इस छोटे से डिवाइस को कहीं पर भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। आप चाहें तो इस डिवाइस को अपने बच्चों के स्कूल बैग में रख सकते हैं उनकी लोकेशन पर हर वक्त नजर रखने के लिए। SafeMate को रोज चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, ये एक सिंगल चार्ज में 4 से 5 दिन आसानी से काम करता है और इसमें दिए गए SOS बटन की मदद से ये जरूरत के वक्त काफी काम आ सकता है। SafeMate के दाम है 6,990 रुपए।
अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो एम्जर फिटजर आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। ये फिटनेस बैंड खास वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल से डिजाइन किया गया है, जिससे दौड़ते भागते वक्त हाथों में आने वाले पसीने से या हल्की फुल्की बारिश से इस फिटनेस बैंड का बाल भी बांका नहीं होता। ये ब्लूटूथ अनेबल फिटनेस बैंड न सिर्फ आपकी मॉर्निंग वॉक्स, जॉगिंग, कैलोरीज का लेखा जोखा रखता है, बल्कि आपकी नींद का भी पूरा जायजा लेता है। 7 दिन की बैटरी लाइफ वाले इस फिटनेस बैंड में खास 3D मोशन सेंसर दिए गए हैं, जिनसे ये आपके हल्के से हल्के मूवमेंट को भी आसानी से ट्रैक कर लेता है। एम्जर फिटजर के दाम है 2,999 रुपए। तो शिवानी, 3 हमने गैजेट्स दिखाए गैजेट लैब में, एक ब्लूटूथ स्पीकर, एक सॉर्ट ऑफ GPS लोकेटर और एक ऐसा रिस्ट बैंड जो खासकर तुमको काफी पसंद आया। एग्जैक्टली, तो हम तीनों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ब्लूटूथ स्पीकर ऐसे यू नो कॉमन डिवाइस है। नहीं, बट स्टिल वो वाटरप्रूफ है, तो वो एक यूनिक चीज है। वो एक एडवांटेज है कि आप अगर पूल साइड पार्टी करनी है तो उसके लिए वो स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूंगी सबसे पहले फिटजर के बारे में। अभिषेक, नॉर्मली जो मार्केट में यू नो GPS वॉचेस आते हैं, और मैं काफी सारे यूज कर चुकी हूँ, तो उसकी एक प्राइस रेंज होती है 10,000 से ऊपर। जो मेरे पास है वो खैर यू नो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैं उसे बहुत सीरियस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, स्विमिंग के लिए, रनिंग के लिए, यू नो दो स्पोर्ट्स कंबाइन करके अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस जायज़ है। इसके साथ साथ उसकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। पर ये जो घड़ी है, अगर आप नॉर्मल फिटनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस रेंज है सो 2,500 से 3,000 के बीच। उसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको, अगर यू नो बेसिक रनिंग करना हो, आपका डिस्टेंस मैप करना हो, अलग अलग एक्टिविटीज जो आपने की है, कितनी कैलोरीज बर्न की है वो मैप करना हो, इवन तो आपकी स्लीप भी वो जिसे कहा जाए ट्रैक करता है। एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से एक GPS वॉच की प्राइस रेंज देखे उस हिसाब से ये घड़ी काफी अच्छी है। बेसिक आपको यू नो जो कामकाज उस घड़ी के जरिए आपको करना हो फिटनेस रिलेटेड, तो आप उससे कर सकते हैं। दूसरा जो गैजेट है जो आप का आपको ट्रैक करता है, अगेन GPS मैप माय इंडिया का, जो अगेन यू नो GPS के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यू नो एक तरह से मेरी एक ओपिनियन है कि इसे स्पाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यार, उसका साइज देखा है तुमने, इतना बड़ा है वो उससे कैसे आप स्पाई कर सकते हो? तुमने लेडीज हैंडबैग में झांक के देखा है कभी? कई ऐसी चीजें होती है जो 6-6 महीने तक हमें पता भी नहीं है कि हमारे बैग में होती है, और हम 6 महीने बाद सडनली अगर बैग साफ करने का कोई अटेम्प्ट करें, ये क्या निकला? एग्जैक्टली, बॉम्ब। नहीं, लेकिन फिर भी वो तो, लेकिन उसके फायदे भी तो देखो ना आपका इस तरीके से, ये है कि जैसे कई शहर भारत में ऐसे हैं जहां पर जो सेफ नहीं माने जाते, आप रात को कहीं देर से वापस आ रहे हो तो लगता है कि या फिर बच्चों के लिए काफी जिसे कहा जाए काम का हो सकता है कि आप कि अपने बच्चा कहीं भाग गया तो हाँ मतलब ट्रैक करना आसानी होगी, या किसी भी तरीके से आप पता कर सकते हो भाई बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस घर आ रहा है, या रास्ते में किधर इधर उधर भी तो घूम रहा है। सो शिवानी, ये जो एथिकल स्पाइंग वाली जो चीज है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पर अभी टेगरु में वक्त आ गया है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक ऐसी चीज को हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज के इस एपिसोड में जो पिछले 8 सालों में आज तक नहीं हुआ। ये नई कैटेगरी है टेगरु में रिव्यू होने वाली। हो सकता है लोग कहें यार ये क्या चीज रिव्यू कर रहे हो, ये कोई टेगरु में रिव्यू होने वाली चीज है, बट माइंड यू ये काफी टेक सेवी और काफी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड चीज है, तो उसे इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है। इनसाइट से भी इंस्पायर्ड ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको रिव्यू टेक गुरु पर करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको लेकर आना पड़ेगा टेक गुरु के ऊपर, तो ड्रम रोल्स प्लीज। हम लोग ऑन एयर है यार, इन्हें रिव्यू करेंगे। तो इनको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, गांधी जी को रिव्यू होने वाली है, जो वो है ये चेयर। मैं डेमो देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे आप अपनी तशरीफ रखिए। नॉर्मली अगर आप ऑफिस में हो, आपका ऑफिस डे किस तरह का होता है? बहुत स्ट्रेसफुल होता है। स्ट्रेसफुल जब आप ऐसे बैठते हैं। ओके। रिलैक्स जब आप ऐसे बैठते हैं। ऐसे सो भी जाते हैं कई बार। डे ड्रीम भी करते हैं ऐसे। ओके। इधर उधर चेयर को लेके घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, एक डायरेक्शन में घूमते हैं फिर दूसरे डायरेक्शन में घूमते हैं। ओके ठीक है, लेकिन इसका चेयर से क्या है? अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए काम में आती है। तो ये चेयर इस काम में आती है। खैर ये तो जोक्स अपार्ट, सीरियस नोट, बहुत ही बढ़िया चेयर है, बहुत कंफर्टेबल है ये चेयर।
दरअसल जो ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके हिसाब से इस चेयर की पूरी डिजाइनिंग की गई है कि अगर आपको बैक प्रॉब्लम है तो ये चेयर आपके लिए एकदम आइडियल है, बिकॉज इसका जो शेप है वो एक तो स्पाइनल कॉर्ड की तरह है। शिवानी, आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे इसको। Exactly, ये एकदम आर्च बना हुआ है बैक के लिए, एकदम परफेक्ट है। और जो जैसे फॉर एग्जांपल अभिषेक की तरह जो लोग हैं जो स्लाउच करते हैं इस तरह से, मैं भी कई कई बार यू नो टॉल सीट्स पर बैठती हूँ तो काफी स्लाउच करने लगती हूँ, तो उस हिसाब से काफी बढ़िया है। आपको याद दिलाएगा कि आपको इस पोस्चर में बैठना है। और आपकी कहाँ पर कमर में दर्द है या फिर कहाँ पर आपको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो वो भी आप इसमें इस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो काफ़ी एक ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड जो बैक है उसको काफ़ी कंट्रोल करने के लिए दिखाया गया। ऑल सेट एंड डन 38,000 के लिए, थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, पर कई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका ऑफिस है यू नो आप कंसिडर कर सकते हैं लाइक बतौर ऑर्गेनाइजेशन इसे खरीदना। अगर आप आपकी कमर में दर्द रहता है ऐसी चेयर आपको बिल्कुल खरीदनी चाहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक, शिवानी और चांदनी के साथ। और अब टेक गुरु पर वक्त है ऐप दिस वीक का। तो शिवानी मैडम, आप कौन सा ऐप इस हफ्ते लेकर आई हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? अभिषेक, क्या तुम्हें नींद से उठने में सुबह सुबह तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे में से 20 घंटे सोऊं। तो क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, उठना पड़ता है। अलार्म? अलार्म एग्जैक्टली, अलार्म कहाँ लगाते हो? मोबाइल फोन में। हाँ, टिपिकली हम लोग यू नो बचपन से हमें आदत है कि एक घड़ी आती थी वो ऐसे करके सुबह सुबह बजती थी, उसके जरिए उठने की अलार्म लगा के, या फिर आजकल हम लोग अपने मोबाइल फोन्स पे अलार्म लगाते हैं। लेकिन इसी को और बेहतर बनाता है जो आज का मेरा वो ऐप है, वो उसका नाम है स्लीपकास्ट। स्लीपकास्ट के जरिए आप अपना फेवरेट सॉन्ग वाईफाई या ब्लूटूथ स्पीकर्स के जरिए इस ऐप के जरिए प्ले कर सकते हैं और वो सॉन्ग आपको सुबह सुबह उठाएगा। फ्री ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है ये ऐप। मेरा ऐप जो है, जो इस हफ्ते मैं बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की जो सेकेंड मूवी है आउट ऑफ द शेडोज वो रिलीज हुई। देखी मैंने देखी, तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और अगर आपको भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स काफ़ी पसंद है तो उनका लेटेस्ट गेम आया है, निकलोडियन स्टूडियोज़ ने बनाया है ये गेम, लेजेंड्स, TMNT लेजेंड्स, फ्री गेम है। हालांकि इसमें इन ऐप परचेजेस काफ़ी हैं। दरअसल थोड़ा स्ट्रेटजी बेस्ड गेम है ये, फाइटिंग गेम है, एक्शन गेम, जिसमें सारे जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो चारों टर्टल्स हों, लियोनार्डो, रफाइल, माइकल एंजेलो और डोनाटेलो, ये चारों टर्टल्स के साथ बाकी जो विलन्स हैं और जो केसी जोन्स जैसे जो बाकी साइड कैरेक्टर्स हैं उनके साथ आप खेल सकते हो। और बहुत बढ़िया गेम है, कुल मिलाकर फ्री गेम है, iOS एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और अगर आपको टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स पसंद हैं तो आई एम श्योर TMNT लेजेंड्स आपके स्मार्टफोन्स में ये गेम तो होना ही होना चाहिए। मैं तो बहुत खेल रहा हूँ, मैं एक राउंड इस गेम का खेलता हूँ। चांदनी, तब तक तुम बताओ। अब दिस वीक जैसे कि शिवानी ने बताया कि सुबह उठने में अगर आपको दिक्कतें आ रही है आपको, तो मेरा जो ऐप दिस वीक है वो है फैबुलस मोटिवेट मी। जैसे कि मेरे फ़ोन में भी एक हफ्ते से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये बेसिकली आपको फिट रखेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा आप सोते रहते हो, या फिर सोते हो एक बार तो फिर उठते नहीं हो, या फिर ऐसा है कि नींद ही नहीं आती है, तो ये ऐप थ्रू आपकी ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट भी बहुत इंप्रूव हो सकती है। साथ में डाइट जो है आपका प्रॉपर ये ऐप है प्लान करता है आपको, अलार्म और इंडिकेशंस, रिमाइंडर्स आपको ये ऐप देता है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते आप ऑफिस में कोई एक काम में, तो मेडिटेशन थ्रू आप कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो। एक आपका कोई भी एक काम है, बस उसके पहले अगर आपको मेडिटेशन करना है तो ये जो ऐप है आपका पर्सनल फिटनेस एंड हैप्पीनेस ट्रेनर है, आपका पर्सनल कोच है। और ब्रीदिंग में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये ऐप सब तरीके से, मतलब पर्सनल देखो आप, अगर हेल्थ वाइज देखो तो सब तरीके से यूजफुल है। हाँ, और तीनों प्लेटफॉर्म्स जो है एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ पर ये अवेलेबल है। चौथा मतलब
पूरी ऐप दिस वीक में जो चौथा ऐप जो है जो हमारे प्रोड्यूसर मंगेश घड़वले ने बताया है, तो वो ऐप उन्होंने मुझे अभी अभी मैसेज करके बताया कि देखो यार तुम बता देना, मैं तो अभी हूँ नहीं यहाँ पे। तो सेव मनी इंडिया ऐप का नाम ही जैसे बता रहा है कि वो ऐसे कूपन्स देता है, ऐसे ऑफर्स आपको हर दिन नोटिफाई करके बताता है कि बॉस यहाँ पर आज 20% सेल चल रही है, इधर आज 50% ऑफ है। तो आपको इस तरीके से बताता है और आप उन कूपन्स का इस्तेमाल करके आप पैसे बचा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। पर भूल कर भी सेव मनी इंडिया आप अपने मोबाइल में तो ज़रूर इंस्टॉल करें, पर अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के मोबाइल पर बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें, नहीं तो आपका लुटना तय है। एनीवे ऑन दिस नोट मेरी इससे ज़्यादा और मेरी पोल खुलनी शुरू हो जाए टेक गुरु पर। अब टाटा अलविदा गुड बाय कहते हैं, बाकी बातें कट करो भाई कट करो, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। कट कट कट।